Hey guys, तो अभी बजे है मॉर्निंग के 6:00 बजे, तो अभी हमारा बन रहा है पांडाल। उसके बाद मुझे रेडी भी होना है खुद ही, क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट लाने के लिए हमारे पास इतना ज़्यादा बजट नहीं है। देखिए पूरा मेरा जो चीज़ें हैं जो कि मैंने मीशो से ऑर्डर किया है, सब कुछ यहाँ पे ही पड़े हुए हैं। अब मैं यहाँ पे सगा भी गया अपने मामा मामी के पास, उसका मामा मामी आया है उससे मीटअप करने के लिए, सो आई एम सो मच एक्साइटेड। और उसका मामा मामी बिहार से आए हैं हमारा शादी का बात सुन के, तो वो कल 2 दिन पहले ही गया है रहेगा। बस मैं रेडी होकर ही रहती हूँ, क्योंकि लड़कियों को रेडी होने को बहुत टाइम लगता है, आप लोग को बताऊँगा। सागर के लिए वेट कर रही हूँ। देखिए मैं कितना मतलब गर्मी में मैं ये सब पहन में बैठी हूँ, मेरा हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, पता नहीं सागर कब आएगा। और रानी अभी चाय का भी इंतजाम कर रही है, क्योंकि आज चाय और भुजिया खिलाया जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ मतलब इतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे लोग, कब इतना ज़्यादा हो जाएगा मुझे तो नहीं पता। सो हम लोगों ने चाय और ये ही रखा है। तो देखिए कितना सुंदर से मेरा जो मंडप है वो सजाया गया है, आप लोग देख सकते हो, मैं आप लोग को कितना अच्छे से सजाया गया है ये सब कुछ। और यहाँ पे मैंने तो ये रहा जहाँ पे हमारा सागर और मेरा शादी होगा, पता नहीं सागर अभी तक नहीं आया है, ये हमारे पंडित जी हमारे ना, तो यहाँ पे सब कुछ रेडी है। हाय, और मैं बहुत इतना एक्साइटेड हूँ, करीब अभी 1 घंटा हो चुका है और सागर अभी तक नहीं आया है। मैं उसको कॉल पे कॉल किए जा रही हूँ पर उसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, फिर से उसको कॉल लगाना पड़ेगा किसी और के फोन से, इनका फोन से ही कॉल करूँगी। आप थोड़ा देर ही वेट कीजिए, बस थोड़ा। कहाँ चला गया, कैसे अभी तक नहीं आया, देखो सब कोई देख रहे हैं। तो मुहूर्त भी निकल जा रहा है, और नहीं नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है। मंदिर जी भी बोल रहा है, बहुत मेहनत वाला लड़की है, अपना पेट के लिए, दो पल की रोटी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं ये लोग, सब देख सब लोगों ने देखा है। लेकिन आज इसी समय को बहुत बे इंतहा प्यार करता था उस लड़की ने ही आज क्या कर दिया, उसको धोखा दे दिया। धोखा नहीं दे, वो आएगा, टाइम भी ज्यादा नहीं है, टाइम तो हो रहा है, मुहूर्त निकल गया, अभी तो मुहूर्त निकल जाने वाला है, तुमको मैं एक उपाय देता हूँ, इस समय मैं तुमको शादी करने के लिए तैयार, तुम भी एक बार समझो, बहुत दिन से देख रही हूँ ना, फोन में देख रहे सामने से, तुमको जिसने धोखा दे दिया है उसको मेरे घर वालों को भी बता सकता हूँ, मेरे घर वाला भी आएगा। अरे धोखा नहीं देता, तू इतना समय में आने वाला था ना, वो सागर आया है क्या, तू सागर दिखाया है क्या, नहीं आएगा सागर, नहीं आएगा, किसी को सागर दिखाया है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है, मैं कुछ कर लूंगी, चलो मुझे तो सागर को चाहिए, सागर नाना देख क्या, मतलब मुझसे शादी कर लो तुम, पहले किसी से शादी, शादी कर लूंगी, मुझे निकल गया बोल दिया, हमसे शादी कर लो, हम बहुत खुश है, किसने उसका कुछ किया है, वो आने वाले तो क्यों नहीं आया, देखो अभी टाइम नहीं है, टाइम चला गया, 2 मिनट ज्यादा हो गया, तुम वहाँ दूसरा दुल्हन के साथ बहने से बैठ जाओ, नहीं तो चलो घर में के कपड़ा, चलो Ha ha ha!
मंदा शुरू कीजिए आप। मैं मर जाऊंगी। अच्छा। मर जाऊंगी। एनर्जी है। हम भाड़ा नहीं खुश है। तुम काला सागर नहीं आएगा। अदा वो नहीं आएगा। मैं सादा जाऊंगा। सागर नहीं आएगा। नहीं करनी है। नहीं करनी है। सागर नहीं आएगा। नहीं करनी है। क्या हो गया आपका? दुल्हन को ले ही चला गया? मेरे को आदमी चाहिए, मेरे को आदमी चाहिए। कोई पंडित जी नहीं आएंगे।
नहीं सर, इसका नहीं है, ये दुकान है इस लड़की का, ठीक है, क्या बात है, इसका पता चल गया, लेकिन ये क्या करता है, काम कर लिया, लड़की को लेकर क्या खिलाएगा, लेकिन मैं जो आया था ना, ये रो रही था, हम यहाँ आया था शादी के लिए, लेकिन हमने इसको देख लड़की होने के लिए निकाल गया, वो मामा मामी तुमका पकड़ के रखा, हमारे को पता नहीं है क्या था, देखो चुप रहो, अभी इसको तुम जाएगा साल में मैं रिस्क ले रहा हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ, मैं दोनों की शादी कराऊंगा, आपका बात नहीं सुन, मैं बात करूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम मेरी बेटी जैसी हो, बाबी प्लीज बाबा जी को बता, अभी देखो ना शादी करवा दीजिए, तू मेरा बात नहीं सुनेगा, मामा बुलाए का चक्कर में मुझे बिहार में सब कुछ काम आप छोड़ के आना पड़ा, ये पता है, नहीं पता है मेरे को, तो तुम लोग प्यार करो, जैसे चल रहा था वैसे चलो, एक डेढ़ साल और शादी की जिम्मेदारी, नाम निकल गया था ना उसकी वजह से, ये सब कुछ हुआ था, मैंने मन करके रखा था ये सुबह से मतलब शादी करना है, ये करना है, वो करना है, इसका उम्र है, देखो क्या करके तुम्हें खिलाएगा, तुम कुछ सोच लो, है ना, इसको थोड़ा सेटल हो जाए, अभी जैसे पहले थे ऐसे हंसी खुशी रहो, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मेरी और तुम्हारी मामी की, ठीक है, किसी को नहीं चाहिए, दूसरा लड़की देखने से नहीं मिलेगा, कोई दूसरी दूसरी लड़की नहीं आएगी, यही आएगी हमारी घर की बहू, यही चाहिए ना, यही बहू बन के आएगी, लेकिन इस तरीके से नहीं, ढंग से ठीक है, शादी कैसे होती है, ऐसे रोड पे थोड़ी हो जाएगी, बढ़िया से होगी, समझे, उसके लिए थोड़ा रुकना पड़ेगा, चलो अभी कपड़े उपड़े बदल में सब कीचड़ उचड़ कर लिया है, कोई गलती नहीं है, हो जाते हैं ऐसे बचपन में, ये सब गलतियाँ हो जाती है, बस आगे से इसका ध्यान रखना, ठीक है, अभी सबके लिए चाय बनाया जा रहा था, तो मैं सबको खिला देती हूँ, क्योंकि सबको बुरा लगेगा, तो अभी सबके लिए चाय बना रही हूँ, नहीं ये दुकान चला नहीं रहा है, ये दुकान तो उसका है ना, लड़की की है दुकान, ये तो जस्ट साथ में हेल्प कर रहा है, इसका खुद का क्या है, खुद का भी तो कुछ होना पड़ेगा, ओ बस एक बात और कोई नहीं कर रहा है।